इंडिया केक का नया फ्लेवर अक्षरा जी ने हम लोगों को दिया है, बहुत ही जबरदस्त शब्दों में पिरो कर और अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज में। तो मैं एक बार आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ अलीशा जी ने हम लोगों के साथ। वैसे मुझे अक्षरा जी से ज्यादा उनसे डर लगता है क्योंकि वैसे बहुत प्यारी है ये, लेकिन काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती हूँ और मुझे तो डर लग रहा था कि वीडियो देखते हुए ना डांट ना दे अक्षरा को, स्टेप्स ठीक से नहीं किया। अलीशा जी बहुत ही फेमस नेम है फर्टिलिटी में, DIT विनर है और जबरदस्त काम कर रही है बॉलीवुड में, और हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है जाने के लिए और इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आपके सामने इतना जबरदस्त काम रखा। तो अलीशा जी कुछ एक्सपीरियंस बताइए आप, पहले आपसे शुरू करते हैं फिर हम लोग ब्राइट पे आते हैं। काफी बद्री जी ने पहली बार मेरी तारीफ की और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे शूट के दौरान हमारी बहस भी हो गई थी बिकॉज पहली बार मैं अक्षरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमारा ऐसे ही फन वाला सीन था कि हम जाएंगे मजे करेंगे, बट देन शूट भी आ गया तो मुझे चाहिए था कि मैं बहुत अच्छे से करूँ क्योंकि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था अक्षरा के साथ। सो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है गाना, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा लग रहा है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। मुझे बहुत मजा आया, हमने बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए, बहुत कम समय था और काम बहुत ज्यादा था तो जितना हमसे हो पाया हमने अपनी जी जान लगा दी। सो यार दैट्स इट, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स मिल रहा है सुबह से इस गाने को, और जो हमारी जो मेन टिंकिया है इस गाने में मनीषा, वो भी आने वाली थी पर आ नहीं पाई लास्ट मोमेंट में, तो उनका भी पहला प्रोजेक्ट कह सकते हैं इंडस्ट्री में। और मेन ये जो कॉन्सेप्ट आप लेके आई थी अक्षरा जी, मतलब कुछ बताइए कि मतलब ये क्लिक कैसे किया और ये शुरू कैसे हुआ और ये हुआ कैसे, मतलब कैसे ये, बिकॉज आई थिंक इस प्रोजेक्ट पे हम लोग साल भर से बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं अक्सर लड़कियों को क्या, मैंने मेरी खुद की आप बीती भी रही है और बिहार यूपी की या और भी कई भी जगह की, हर लड़कियों को ये सफर करना पड़ता है, बहुत सारे यू नो प्रोमिसेस होते हैं जो पूरे नहीं किए जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा से मैं लड़कियों के प्रति यू नो मेरा झुकाव रहा है, अक्सर मैं लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे गाने करती रहती हूँ जिसमें यू नो थोड़ी महिला सशक्तिकरण दिखे कि भाई हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ वजूद है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको यू नो एक फन वे में निकाला जाए और एक इस तरीके का गाना बनाया जाए। और इसमें मैं बताऊं कि मनीषा रानी भी कई हद तक मेरी साथी रही हैं बिकॉज अक्सर मैं उनको भी देखती रहती हूँ हमेशा उस तरीके की वीडियोज की, भाई हम इतना लिपस्टिक लगाए हैं ना, इतना ऐसे ऐसा लड़का को पटाने के लिए ऐसा ऐसा लिपस्टिक लगाए हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो अक्सर वो ऐसा बोलती थी और मैं सुनती थी कि भाई लड़कियां लिपस्टिक भी लगाती हैं, लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, फिर लड़के क्यों नहीं, लड़के इतने गंदे सारे गंदे गंदे प्रोमिसेस क्यों करते हैं। अभी हाल ही में मुझे सुनने में भी आया कि लड़के यू नो 3-4 साल के रिलेशनशिप में भी ऐसा ऐसा वादा करते हैं और ऐसा ऐसा उनका कांड निकल जाता है 3-4 साल के रिलेशनशिप में, अचानक से कांड क्या निकलता है कि लड़के का यू नो गलती से पासवर्ड लड़की के लैपटॉप में मिल जाता है और उसमें बहुत सारे चैट्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं जिसमें वो दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहा है और उसके बाद वो क्या रीजन देता है, जब उससे लड़की पूछती है तो कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना कि हम तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं कि नहीं, ये हम चेक कर रहे थे दूसरी लड़की को आजमा के। तो कई सारे ऐसे यू नो अलग अलग चीजें देखने को मिली, इसकी वजह से मैं इंस्पायर्ड हुई कि भाई ऐसे भी गाना आना चाहिए, ऐसा यू नो लड़कियों के प्रति उस यू नो मतलब शादी ना करे, मैं तो चाहती हूँ कि शादी करे तो सोच समझ के करे और वैसे लड़के से करे जो निभा दे, निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं अभी के डेट में, ज्यादातर केसेस आपको यही फ्लर्ट और 4-5 साल ऐसे ही घुमा। बद्री जी आप नजर क्यों झुकाए, आप ही करते हैं क्या यही सब काम? हाँ
तो कोई ना कोई करता होगा यहाँ पे, जितने यू नो गणमान्य व्यक्ति हैं सब चुप के चुप नजर आ रहे हैं, सबकी नजरें झुकी क्यों नजर आ रही हैं? नहीं ना, नहीं आप लोग कांड नहीं ना किए हैं? तो यही चाहती हूँ कि लड़कियां सेफ रहें भाई, और सोच समझ के कदम उठाएं, और उसी की पहल का ये गाना है। बहुत ही खूबसूरती से ये निकल गया है, और म्यूजिक भी एक नए तरीके से दिया है। म्यूजिक जिन्होंने दिया है मधुकर आनंद जी जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एंड साथ ही लिरिसिस्ट जो है संतोष पुरी जी जिन्होंने कमाल का लिखा है ये गाना। मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा करना है, और उन्होंने एकदम एग्जैक्टली वो प्रॉपर वर्ड्स बिकॉज़ मधुकर जी के उस ज़ोन से बाहर निकलकर उन्होंने मतलब ये काम किया है। हाँ जी, उनके बहुत बड़े-बड़े गाने आप लोगों ने सुने होंगे, बट और ये निखर गया है, मतलब आज के यूथ को कनेक्ट कर रही है म्यूजिक, बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू बद्री झा जी एंड एमडी सारेगामा के विक्रम सर, और सारेगामा ऑफ कोर्स पूरी तमाम टीम जो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती है और ऐसी चीजों को करने में यू नो मेरे लिए अग्रसर रहती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर आपका। एंड आप लोगों को कैसा लगा ये गाना? अच्छा लगा? एक नया यू नो आजकल रील्स पे ऐसे गाने बहुत ट्रेंड करते हैं और चल जाते हैं, इसमें रैप भी है, इसमें थोड़ा मसाला भी है, तो आप लोगों को कैसा लगा? मैं चाहती हूँ आपसे पूछना। अच्छा लगा? अक्सर नहीं नहीं आप जितने तमाम मीडिया पीछे से तो आवाज आ रही है, लेकिन आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे, हमने कुछ गलत स्टेप ले लिया क्या? बोलने का मौका नहीं दिया, आप बोलने का मौका दे रहे हैं सर, आप बताइए। ये हम कहना चाह रहे क्या ये गाना आपके जिंदगी के कुछ तजुर्बे का